सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंड्यूस कर्व, ठीक है। ये आपके CO2, ठीक है। CO2 के लिए आपके एंड्यूस के कर्व, एंड्यूस ने जो है कुछ कर्व्स खींचे। तो कर्व्स में जैसे आपका ये जो TC है दैट इज 31 डिग्री सेल्सियस। इससे अबव यदि हम गैस के लेते हैं मतलब प्रेशर वॉल्यूम कर्व, कर्व तो ये बिल्कुल आपके आइडियल गैस की तरह आते T4 एंड T3। T4 आपका ग्रेटर देन है T3 से, और TC के नीचे जो है आपका जो है गैस लिक्विफाई करती है, ठीक है। तो जैसे आपने एक कर्व ले लिया DC और ये ABCD कर्व, ठीक है। तो ये A जो है दैट इज वेपर फेज CO2, ठीक है। और ये जो CO2 की वेपर फेज है, जैसे आप जो है प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं, ये आपकी लिक्विफाई होनी शुरू हो जाती है। यहां पर लिक्विड और गैस BC पर दोनों ही फेजेस है, ठीक है। और यहां पर जो है आप देखते हैं प्रेशर कितना ही अप्लाई करते रहे, वॉल्यूम में बहुत ही कमी आती है, दैट इज सॉरी लिक्विड फेज, ठीक है। तो इन कर्व्स की मदद से जो है क्रिटिकल टेम्परेचर की आपकी कंसेप्ट जो है वो आई। यहां पर जैसे आपने T2 पर एक कर्व खींचे, तो आपने देखा ये जो पोर्शन है हॉरिजॉन्टल, जहां पर लिक्विड और गैस दोनों मतलब वेपर फेस दोनों ही थी, तो ये आपका कम हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये डिफरेंस और कम होता जाता, क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह बिल्कुल सेम पॉइंट आ जाता, ठीक है। तो आपका जो ये है क्या नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो एक मिनिमम आपका एक टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके आप नीचे जाते हैं तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, वेपर हो जाती है। और आपका क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पॉइंट एक्स पर यदि आप BX/CX लें, तो ये लिक्विड अपॉन वेपर की रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर है जिसके आप नीचे जाएंगे तो गैस जो आपकी लिक्विफाई हो जाएगी, उसके अबाव आप कितना ही प्रेशर लगाते रहे गैस पर वो आपकी लिक्विफाई नहीं होगी। तो गैस को आपको जो है लिक्विफाई करने के लिए उसका पहले टेम्परेचर जो है हमारे को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले जाना पड़ता है, तब वो आपकी लिक्विफाई होती है। अब कोई मान लीजिए सब्सटेंस है, वो रूम टेम्परेचर पर आप प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर है, तो उस फेज को हम बोलते हैं वेपर फेज। और गैस का क्या होता है कि आप पहले यदि उसका टेम्परेचर डाउन नहीं करेंगे तो वो आपकी लिक्विफाई नहीं होगी। तो गैस और वेपर फेज में ये डिफरेंस था, गैस जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर की फेज है कंडीशन है, और वेपर आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कंडीशन है। PV=nRT दोनों ही फॉलो करते हैं, लेकिन वेपर पे आप प्रेशर लगाते हैं तो वेपर प्रेशर आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाने पर वेपर लिक्विफाई रहती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके बाद आपका क्रिटिकल प्रेशर की कंसेप्ट आती है, तो क्रिटिकल प्रेशर जो PC है इसको हम PC से डिनोट करते हैं। तो इसका जो है मतलब मिनिमम प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर जो गैस को लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ऐसे ही आपके टर्म वॉल्यूम होती है क्रिटिकल वॉल्यूम, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, PC, VC एंड TC। तो अब ये तो एक आपकी रियल गैस के रेस्पेक्ट में ये एंड्यूस कर्व होगा, जिससे हमारी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की कंसेप्ट आ गई। लेकिन अब ये देखना है कि भाई वंडर वॉल गैस जो है आपकी किस तरीके से बिहेव करती है, कि मैथमेटिकली हम उसके ग्राफ आप खींचते और किस तरीके से फिर हम आगे उससे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर के A और B के टर्म्स में डिराइव करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो ये सब हमारे को डिस्कस करना है, ये सब हमारे आईटीजेई के सिलेबस में है। ये आपके जो है वंडर वॉल गैस इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो आइसोथर्म होनी चाहिए वो हमने कल बनाया। आपकी वंडर वॉल इक्वेशन ये होती है 1 मोल के लिए, आरटी, ठीक है। तो पहला तो आपके लिए क्वेश्चन ये होता है कि भाई इस इक्वेशन के जो वीएम है, ठीक, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। वीएम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है। तो इसके कितनी वैल्यूज हो सकती है यदि आप मैथमेटिकली सोचें, सोचिए पहले, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए। तो इसके जो है आपके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आप इस इक्वेशन को चेंज कीजिए, पी और वीएम स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए PVM ओवर AVM माइनस PV, और जो है PVM AVM माइनस PV और माइनस AV बाय VM स्क्वायर RT, ठीक है। तो जो है वीएम स्क्वायर की तरफ मल्टीप्लाई कर दे एलसीएम लेके, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवीएम क्यू प्लस ए वीएम माइनस पी वीएम स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू आरटी वीएम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आप तो सॉल्व करें, ठीक है। आगे चलकर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो आपके जो है आपके वीएम की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी में से मतलब हो सकता है एक वैल्यू रियल हो सकता है आपकी 2 वैल्यू रियल हो, और 3 मतलब कुछ अनरियल वैल्यूज भी हो सकती है जो आज तक मिली ही नहीं है, ठीक है। बहुत हमने कोशिश करी, तो बहरहाल इस इक्वेशन को मैथड बनते हुए हमने ABCD ये जो है आपका ये जो है कर्व हमने खींचा, ठीक है। तो इस पर एक ही प्रेशर की वैल्यू पर 3 वॉल्यूम्स की वैल्यू V1 V2 V3 आपको मिलती है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं इन वैल्यूज में डिफरेंस कम हो जाता है, और यहां पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इस पे जो है आपका ये वैल्यूज जो आपके वॉल्यूम की ये तीनों वैल्यूज है उनका डिफरेंस, मान लीजिए वो वैल्यूज V1, V" और V" हो जाती है, ठीक है। V1, V2, V3 जिसे हमने मान रहे थे, तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो इनका डिफरेंस है वो सेम हो जाता है, V- माइनस VC इज इक्वल टू 0 और V" माइनस VC इज इक्वल टू भी 0, ठीक है। तो जिसको लाइट हमने V टू वी मान लिया, तो वी माइनस वीसी टू 0 ले लेते हैं, और वी माइनस वीसी की फोर क्यूस टू 0 भी लेते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जो है हमारी इसी ग्राफ से आ जाती है जिसका हम आगे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इनमें से कुछ वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली मिली है, जो ए बी कर्व है आपका, दैट इज सुपर हीटेड लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम को बहुत धीरे 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 चेंज करते हैं, तो ये एबी तक का कर्व हमें मिला है, और सीडी ये जो आपका थोड़ा सा कर्व मान लीजिए आपका यहां तक जो है सीई, ये सीई जो है आपका सुपर सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, ये पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है वीई That is not formed.
ये आज तक हमें नहीं मिला। ये एक्सपेरिमेंटली जो ये सुपर हीटेड लिक्विड और ये सुपर सैचुरेटेड वेपर स्टेट है, ये मेटा स्टेबल स्टेट है। फिर वो था आंसो, ठीक है। तो ये जो फेजेस आपकी मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल होती हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में स्टेबल रहती हैं, वरना डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये जो कर्व्स हैं, इनसे जो हार्ड नॉर्मल के आइसोथर्म के अकॉर्डिंग ये कर्व्स हमारे आते हैं। एक्चुअली में ये पूरी तरीके से फॉलो अप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमने इस इक्वेशन के बारे में सोचा, वंडर वॉल इक्वेशन के बारे में, कि भाई किस किस तरीके से फॉलो अप होती है, कितनी ये करते हैं। तो इसी इक्वेशन से क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, पीसी, वीसी, टीसी की ए और बी की टर्म्स में वैल्यू को डिराइव करना हम लोग के सिलेबस में। तो ये जो हमने इक्वेशंस ली हैं, इनसे हम आगे और ड्राइव करेंगे। तो ये आपकी जो इक्वेशन है आगे, ये आपकी ऐसे बन जाती है, पी वी एम स्क्वायर क्यू प्लस ए वी एम माइनस पी वी वी एम स्क्वायर माइनस ए बी माइनस आर टी वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब जो है इसको हम रियरेंज कर लेते हैं, वी एम स्क्वायर का आगे आते हैं तो माइनस आ जाएगा आपका, और पी बी वी एम स्क्वायर माइनस आर टी इस इक्वेशन में आप पी की डिवाइड कर दीजिए, और पी जो है पीसी हो जाएगा, टी जो है वो टीसी हो जाएगा। ये इक्वेशन होंगे, और ये जो इक्वेशन है इसमें v को vm मान लेते हैं चलिए, ठीक है। तो जो है आपकी इक्वेशन इसमें होल क्यूब कर देते हैं, तो vm की होल क्यूब माइनस vc की होल क्यूब माइनस 3 v इंटू वी सी vm इंटू vc vm माइनस vc, ठीक है। इसको आप जो है रीअरेंज करेंगे हम, और आगे जो है फिर इसका इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप जो हो 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका जो है bc स्क्वायर कट जाएगा, bc बाय क्यूब वैल्यू निकालनी है, पीसी वैल्यू के लिए आप यहां पर पुट कर दीजिए 3b इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये पीसी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, ए बाय, और जो है आप बीसी वैल्यू यहां रख दीजिए, पीसी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 3 into 3b is equals to b plus rtc over pc, ठीक है। तो ये 9b हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 8b रह जाएगा, rtc over a into 27b square is equals to 8b, ठीक है। तो tc is equals to क्या हो जाएगा आपका, अपॉन 27 बी, ठीक है। तो ये आपकी पीसी वीसी और टीसी की वैल्यूज हो जाएगी, और इन पर जो क्वेश्चन जो भी आएगा आपका आईडीजी में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको करने में मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी,
क्योंकि बिल्कुल जब भी कोई हम हाई कंसेप्ट की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। तो इस पर मतलब मैचिंग का क्वेश्चन बन जाता है, पीसी वीसी टीसी वैल्यू को मैच कीजिए, या जो है आपका इंडिकेटर उसका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हुए। तो इस पर अब आपके दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आइडियल गैस के लिए टीसी की वैल्यू क्या हो। ठीक है, आप जानते हैं भाई आइडियल गैस में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यानी ए इज इक्वल टू जीरो, तो आपका फिर टीसी भी जीरो होगा। ठीक है, इसके भी नीचे होगा, तो आप मैथमेटिकली ये बात आती है, और आइडियल गैस आपकी लिक्विफाई भी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसके लिए टीसी आप जीरो रखो। आइडियल गैस के लिए क्वेश्चन आया था जीरो करके, और आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, पी वी अपॉन आर टी एट क्रिटिकल कंडीशंस में। तो इसके लिए आप यहां से वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो क्रिटिकल कंडीशन में पीसी वीसी ओवर आर टी सी हो जाएगा। तो पीसी कितना है आपका, ए बाय 27 बी स्क्वायर, ये 3b, आर पीसी कितना है 8a बाय 27 बी आर। ठीक है, तो 27 से 27 कैंसिल, बी से ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ए से ए कैंसिल, आर से ना कैंसिल, तो दैट वैल्यू इज 3/8। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो इससे बिल्कुल अलग आती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वंडरवॉल गैस इक्वेशन है ये आपके क्रिटिकल कंडीशंस में बहुत अच्छी तरीके से मतलब फॉलो नहीं करती, तो ये इसकी आपकी एक लिमिटेशन। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, तो आप जो है जो आपकी इक्वेशन है पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो ये जो है आपने इसमें पी ओवर पी सी इक्वल्स टू क्या मान लिया, पाई। ठीक है, पाई मींस रिड्यूस्ड प्रेशर। आपने मान लिया रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे आपने पी की वैल्यू निकाल ली, इसमें रख दी पाई इंटू पीसी प्लस ए अपॉन जो है बीसी इंटू फाइव स्क्वायर और पाई इंटू बी सी माइनस पी इज इक्वल टू आर थीटा आपका टीसी। ठीक, और पीसी वीसी और टीसी की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, पाई पीसी की जगह ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बीसी की वैल्यू 3b थी तो 9 बी स्क्वायर फाइव स्क्वायर और 5 3b माइनस डी इज इक्वल टू आर इंटू ये 8 अपॉन 27। ठीक है, आर से आपका आर कैंसिल हो गया और इस इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया किससे, a बाय 27 बी स्क्वायर। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे पाई प्लस जो है पाई अपॉन 27 बी स्क्वायर से करा और ये जो है
पाई प्लस 3 बाय पाई स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपका A. तो ये जो आपकी फॉर्मूला है दैट इज लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स का, ये आपका गैस पर भी एप्लीकेबल है और लिक्विड पर भी एप्लीकेबल है। और यदि दो सब्सटेंसेस सेम रिड्यूस प्रेशर पे हैं, सेम रिड्यूस टेम्परेचर पे हैं, तो उनका जो वॉल्यूम भी होता है वो सेम, रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम। और इससे हम लिक्विड्स की भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपस में इंटरलेट कर लेते हैं। और ये भी देखा गया है कि लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 2/ क्रिटिकल टेम्परेचर का 2/3 होता है, तो इनमें ये रिलेशन भी होता है।